भगवान के नाम में भगवान ने अपनी पूरी शक्ति डाल दी है, इसीलिए हर व्यक्ति को भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। परंतु इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी बात श्रीमद् भागवतम बता रहा है, वो ये है कि जन्म तथा मृत्यु के जाल में फंसे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के नाम से साक्षात भय भी डरता है। तो इसका श्लोक है, आपन्नः संस्कृतिं घोराम यन्नाम विवशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत यत विभेति स्वयं भयम्। तो भगवान के नाम से भय भी डरता है, भय से हम डरते हैं, पर भय किससे डरता है? भगवान के नाम से। तो यदि भगवान का नाम लिया तो जो भी भय है हमारे जीवन में, जो समस्या आ गई है जिससे हम डरे हुए हैं, वो भाग जाएगा। जन्म मृत्यु का चक्र जो है उससे तो छुटकारा पा ही जाएंगे, पर यदि कोई जीवन में दूसरे प्रकार का भय है और उस समय हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसा उच्चारण करेंगे तो वो समस्या या वो भय से भी हम छुटकारा पा जाएंगे। तो ये है भगवान के नाम में शक्ति। हर जमाने में हर प्रकार के भक्त कोई न कोई नाम जप रहे थे, जैसे संत तुकाराम ने भी कोई नाम जपा, मीराबाई ने भी कोई नाम जपा। नाम यानी भगवान का नाम, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह रहा है जैसे ध्रुव महाराज, कोई श्री हरि, कोई विठ्ठल, कोई भगवान का कोई अलग नाम, तो सब भगवान के नाम का जप करते ही हैं। इवन दूसरे धर्मों में भी, हर धर्म में एक माला होता है, उसको आप रोजरी कहिए या माला कहिए, कुछ भी कहिए, और उस पर वो भगवान के नाम का जप ही करते हैं। हर व्यक्ति को भगवान के नाम का जप करना चाहिए। प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं, इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से नहीं डरता। सर्वशक्तिमान कौन है? भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण के क्रोध से सब डरते हैं। कितने सारे राक्षसों का वध किया है, रामचंद्र जी ने भी रावण का वध किया, भगवान ने देखिए यहाँ पे दूसरे रूप में भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। तो साक्षात भय, कृष्ण के नाम से साक्षात भय भी भयभीत होता है। यहाँ बता रहे कृष्ण के नाम से साक्षात भय भी भयभीत होता है, क्योंकि नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। यदि आप नाम जपे, आपके समय सामने राक्षस है, शेर है, कुछ भी है, और उस समय हरे कृष्ण या तो फिर नमस्ते नरसिम्हाया, जो आपको सही लग रहा है, तो आप नाम यदि जपना शुरू कर देते हैं, पुकारने लगते हैं भगवान को, तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो जो जो मुसीबत है हमारे सामने वो टल जाएगी। तो ये इसको पढ़ सकते हैं आप इस श्लोक को, और यदि समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छे से जानना चाहते हैं तो 1.1.14 श्रीमद् भागवतम। तो भगवान के नाम से भय भी डरता है, भगवान ने अपने नाम में पूरी शक्ति डाल दी है। भगवान का नाम यदि कोई, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे कोई प्रेम से बोले, चाहे कोई अनजाने में बोले, चाहे कोई बाध्य होकर मजबूरन बोले, कैसे भी बोले, तो उसका उच्चारण उसे जन्म और मृत्यु के झंझट से उबार सकता है। तो इच्छा नहीं होती है हरि नाम जपने की, फिर भी जपना चाहिए। तो हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे बैठो माला करो, बच्चे नहीं चाहते हैं माला करना, उन्हें कुछ खेलना है, कूदना है, कुछ देखना है, इंटरेस्ट नहीं है, तो भी उनसे जप कराइए, क्योंकि जब मुसीबत होगी तो उन्हें आदत है जप करने की, तो उस समय वो भगवान के नाम का जप करेंगे और मुसीबत से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। हम इस बात के टेंशन में नहीं रहेंगे कि मेरा बेटा नास्तिक हो गया या वो कभी भगवान को पुकारता नहीं है, क्योंकि यदि उसे अभी हम जप करवाएंगे तो बाद में उसे आदत बन जाएगी,
करेगा जब, जिस समय मुसीबत होगी, जिस समय उसके जीवन में आप नहीं रहेंगे, कुछ दिखेगा नहीं, तो क्या करेगा? भगवान के नाम का जप करेगा। और भगवान का नाम यदि कोई व्यक्ति मजबूरी में भी लेता है, कोई डर के भी लेता है, कोई अच्छे से लेता है, कोई टूटे फूटे ढंग से लेता है, तो हर स्थिति में वो फायदा ही करता है। हरे कृष्णा।